भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा धामपुर में हुआ जिला सम्मेलन, हजारों महिलाओं ने लिया भाग। आपको बता दें कि धामपुर के शुभम मंडप में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सम्मेलन में महिलाओं का उमड़ा जनसैलाब। हजारों की तादाद में पहुंची महिलाएं जब कुर्सी पर जगह ना मिली तो नीचे ही बैठी। अशोक राणा ने कहा, 5 साल पहले सपा की सरकार में बहन बेटियों का घर से निकलना दुश्वार था। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से रात के 12 बजे भी बहन बेटियों को डर नहीं होता, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। उन्होंने कहा, भाजपा ही ऐसी सरकार है जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित है। उन्होंने हाथरस में हुए बलात्कार की भी याद दिलाई। भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने कहा, जिस सरकार के मुखिया की सोच ही इतनी भद्दी हो और लोगों का क्या हाल होगा। ये बात उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के बयान पर कही है। मुलायम सिंह ने कहा था, बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। नवभारत समाचार धामपुर जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाने का काम करेंगे। बहनों, आदरणीय योगी नाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, और ये तो आपने महसूस किया होगा कि इन 5 साल के कार्यकाल में पिछली सरकार में जिस तरह की बदतमीजी, जिस तरह की फक्तियों का सामना हमारी बहनों को करना पड़ता था, आज की तारीख में आप रात के 12 बजे अगर अकेली भी कहीं जा रही हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके साथ कोई बदतमीजी करे। उसे पता है कि योगी मुख्यमंत्री बैठे हैं और उसका जरा से भी गलती का इतना बड़ा दंड उसे मिलेगा कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ये वो सरकार गई और बहनों ने सबसे पहले नकारा। 2017 से पहले यहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बहनों, आपको याद होगा कि हाथरस में जब एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो मुलायम सिंह जी से जब पत्रकारों ने पूछा तो उनके सब थे, बच्चे हैं छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो जिस पार्टी की सोच ऐसी हो, जिस पार्टी के संरक्षक की सोच ऐसी हो, उससे क्या ज्यादा उम्मीद की जा सकती है।